चलते हैं चंपा के प्लांट से। मेकाइलिस चंपा का इसका नाम है, बॉटनिकल नेम, और इसको गुलाचीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कई वैरायटी आती हैं, आपने इसकी कई वैरायटी देखी भी होंगी, जिसमें वाइट फ्लावर होता है। ये देखिए वाइट के साथ येलो वाला है टेक्सचर, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें पिंकिश और रेड भी कलर के फ्लावर आते हैं और काफ़ी सहजता से ये हो जाता है गमले में। देखिए यहाँ पे ये गमला होगा, गमले के तौर पे यहाँ प्लास्टिक का बकेट यूज़ किया गया है, और इस प्लास्टिक के बकेट में ये 20 इंच का है, और 20 इंच के साथ ही देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। स्टेम देखिए, नीचे वाले स्टेम को मैं कवर करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इतना पूरी हाइट लिए हुए है, यानी काफ़ी अच्छा स्टेम इसमें ग्रो हो रहा है, और इसमें ब्रांचेस भी अच्छी आई हुई हैं। और दूर से देखने पे देखिए, दूर से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। एक ये प्लांट लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पर भी 20 इंच के गमले में ही मान के चलिए यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो अगर आपको हरियाली पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, अगर इसमें फ्लावर ना भी आते हों तो भी इसको देख करके बहुत अच्छा महसूस होता है। और क्योंकि इसको पत्ती तोड़ने पर इसमें मिल्क जैसा निकलता है, इसलिए इसको हर्बीवोर्स नहीं चरते हैं, शाकाहारी जीव जंतु इसको, एनिमल्स इसको चरते नहीं है। तो इसको घरों के बाहर आप लगा सकते हैं आराम से, और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाता है। काफ़ी हैंडी प्लांट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत में जो हमारे गार्डनर हैं, जो अभी अभी बिगनर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो लोग इसको लगा सकते हैं और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो वही सबसे पहले शुरू करते हैं, किसके लिए पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएंगे। पॉटिंग मिक्स में आप कम से कम 50% सैंड रखेंगे, 30% आप गार्डन सॉइल रखेंगे, और 20% आपको जो भी खाद ठीक लगती है, कंपोस्ट या लीफ वाली खाद, तो वो आप मिला लेंगे। उसके साथ ही आपको अगर मिल जाती है बोन मील, तो थोड़ी सी बोन मील भी आपको डालनी है। 20 इंच का अगर आपका गमला है, मान के लीजिए इतना बड़ा गमला ले रहे हैं, तो आप 20 इंच के गमले में 5 से 6 स्पून बोन मील मिला सकते हैं, क्योंकि बोन मील इसको पसंद है। बोन मील की वजह से इसमें फ्लावरिंग होती है। ध्यान रहे कि बहुत अधिक गर्मी में इसको बोन मील नहीं देनी है, ओके। तो इस वजह से यहाँ पे चंपा के प्लांट में अगर आप फ्लावर पाना चाहते हैं, तो आपको करना ये होगा कि बारिश से पहले इसकी पॉटिंग मिक्स आप तैयार कर लीजिए, और पॉटिंग मिक्स करके आप अपने प्लांट को लगा दीजिए। बारिश के पहले आप लगा देंगे तो बारिश तक आते आते इसमें फुल ब्लूम आने लगता है, और बारिश के बाद भी रहता है, लेकिन ये विंटर्स में डॉर्मेंसी में चला जाता है। विंटर्स में आपको फ्लावर इसमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये कम होते हैं। उस समय इसकी छटाई की जाती है, जितनी आप ब्रांचों की छटाई कर देते हैं, जैसे ये ब्रांच है यहाँ पे, तो यहाँ ब्रांच आप काट दीजिए, इस ब्रांच को काट दीजिए, तो ऐसा अगर आप जाड़े से पहले कर लेते हैं तो आपके पास प्लांट भी हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्रांच से ग्रो हो जाता है। ब्रांच से ग्रो करते समय आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो ब्रांच होगी, आप जब इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ से मान लीजिए कट कर दिया, तो उसको आपको ड्राई करना पड़ता है कम से कम 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन में वो ब्रांच जब आप ड्राई करते हो तो देखते हो जो आपने जिस समय कट किया था उससे हाइट थोड़ी छोटी हो गई है। थोड़ी हाइट छोटी होने पर ही इसको आप लगा सकते हो। फिर उसको आप सॉइल में ऐसे ही लगा दीजिए सीधे, और सॉइल में सीधे लगाने पर आराम से ये ग्रो होता चला जाएगा, और आपके पास मल्टीपल प्लांट्स बन जाएंगे। जैसा हम लोगों ने बात की थी कि इसकी हर्बीवोर्स जो है चरते नहीं है, तो इसको घरों के बाहर दोनों ओर, जैसे गेट काफी बड़ा है तो उस गेट के दोनों ओर लेफ्ट और राइट साइड में भी इसको लगाया जा सकता है। मार्गों पे जहां मुख्य मार्ग हैं, सड़क है, वहां पे लगाया जा सकता है। बहुत अच्छा प्लांट लगता है। इसकी जरा सॉइल को देखते हैं, यहाँ देखिए अभी इसमें तो पानी दिया गया है, लेकिन सॉइल देखिए कितना बढ़िया है, कितना अच्छा सॉइल है, वेल ड्रेन सॉइल है। और इसमें देखिए इसके रूट बॉयल इसमें पूरा बना हुआ है अच्छे से, तो बहुत बढ़िया सॉइल है, और बहुत बढ़िया इसमें खाद भी दी गई है, इसी वजह से इसमें अच्छा फ्लावर देखने को मिल रही है, बढ़िया फ्लावरिंग। रोग वगैरह ऐसे कुछ होते नहीं है, लेकिन हाँ बारिश के सीजन में कुछ कीट हैं जो इस पे आकर के इसकी पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। तो बारिश के सीजन में अगर बारिश पर्याप्त मात्रा में हो रही तो वो वैसे भी धुल जाते हैं, और अगर ज्यादा कीट लग रहा है तो आपकी नीम का जो आता है, नीम का पाउडर या नीम का ऑयल, उसको पानी में घोल करके 2 स्पून, आप 2 लीटर पानी में 2 स्पून नीम का ऑयल डाल करके स्प्रे कर दीजिए, तो उससे कीट मर जाते हैं। तो कीटों से ये हुआ संरक्षण। प्रोपेगेशन की हमने बात कर ली, कटिंग से ये उगता है, बाकी एयर लेयरिंग वगैरह इसमें आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि वुड जैसा कुछ बनता नहीं है, सीधे आप इसको काटिए और काट करके लगा दीजिए। हम बात करते हैं इसका मेडिसिनल यूज का, तो मेडिसिनल यूज इसमें दांत के दर्द में इसका काफी यूज होता है, गुलाचीन का। गुलाचीन में इसके जो पत्ते को तोड़ लेते हैं और इसके दूध का इस्तेमाल करते हैं दांत के दर्द में, और दांत दर्द में काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो इस वजह से आप यहाँ पे देखते होंगे लोग इसको ज्यादातर तलाश करते हैं,
तो मेडिसिनल यूज भी हो गया है और गार्डन का यूज है ही, ऑर्नामेंटल प्लांट है, खूबसूरत दिखता है और जब बड़े हो जाते हैं तो छाया भी देते हैं, ऐसा नहीं है। सड़कों पे आपने जहां कहीं भी देखा होगा कि काफी जब बड़े हो जाते हैं तो अच्छी इसकी छाया भी होती है, इसलिए हमें इसको लगाना चाहिए। इस प्लांट को आप ग्रो करिए और इजिली ग्रो हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।